गाइस इस बक्से को हम फोड़ देते हैं। नो वार्म अप टाइम लिखा हुआ है, जो मॉडल नंबर हीटिंग का कम चांस रहता है। हेलो साथी सब, आज हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो कैनन का प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, इसको हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और प्लस में इसमें हम ये बताने के लिए जा रहे हैं क्या क्या इसमें फैसिलिटी है, कौन सा पेपर सपोर्ट होगा, ये सब हम आपको जानकारी देंगे। इसमें सामान क्या क्या है, नहीं है, इसमें क्या कुछ गड़बड़ रखा है कि नहीं रखा है, इसमें केबल क्या क्या है, सब हम आज बताने के लिए जा रहे हैं। आप दिखाने से पहले, इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लस बेल आइकन को दबाना न भूले, जैसे कि जितना भी रिलेटेड वीडियो होगा आप तक पहुँचते रहेंगे। गाइस इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस प्रिंटर का जो खासियत है, जैसे कि अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको दिखा देते हैं ऊपर के क्या है। इसका जो मॉडल नंबर है लेजर का, जैसे कि कैनन का लेजर शॉट LBP 2900 मॉडल है, इसका आप देख सकते हैं। और ऊपर से ये है, प्रिंट स्पीड हो गया 12 पेपर पर मिनट है, इसमें 12 PPM इसका वो है, जैसे 12 पेपर पर मिनट में आपको निकलेगा, एक मिनट में आपको 12 पेपर निकाल के देगा। रिलेशन की बात करें तो 2400 DPI है, इक्विवेलेंट इनटू 600 DPI है। नो वार्म अप टाइम लिखा हुआ है, जैसे कि आप इसमें जैसे कि मिनिमम गर्म जल्दी नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तुम यूज कर सकते हैं आप, इसमें आपको गर्म नहीं, हीटिंग का कम चांस रहता है इस प्रिंटर में, यही खासियत है। प्लस में आप देख सकते हैं USB 2.0 हाई स्पीड केबल इंक्लूडेबल है, इसके मालूम पड़ता है इसका स्पीड आप कितना है, इसका प्रिंटर का आप लोग समझ सकते हैं। USB 2.0 हाई स्पीड केबल इस इंक्लूड है, इस बॉक्स के अंदर आपको 2.0 केबल स्पीड दिया हुआ है, इससे आप स्पीड उसमें जल्दी हो, केबल खराब भी नहीं होगा, और डाटा केबल भी इसमें केबल जो दिया बहुत स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। ये केबल से वजह से जान सकते हैं आप इसका, जैसे कि एक मिनट में आप 12 पेपर स्पीड निकाल सकते हैं। बात बता दें कि इस प्रिंटर का जो मॉडल है, और ये प्रिंटर जो लेजर जेट में आ रहा है, इसमें 1100 वाट का प्रिंटर होता है, ठीक है। आप इसको जैसे कि इन्वर्टर से आप जल्दी यूज नहीं कर सकते, ज़्यादातर से लाइन पे ही आदमी इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर पे इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा ही कम पेपर में आपको इन्वर्टर डाउन हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादातर से इन्वर्टर पे कम इमरजेंसी में इस्तेमाल करें, विशेष करके आप लाइन से इसको चलाएं, क्योंकि 1100 वाट का ये प्रिंटर होता है, लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है। तो गाइस इस बक्से को हम फोड़ देते हैं, चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, है ना, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक केबल हो गया, पावर केबल है, ये देख सकते कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, इसे 1100 वाट के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा केबल दिया हुआ है, मजबूत कैनन चाहिए, आप जानते हुए हैं कि कैनन कैसा कंपनी है। इसके अंदर हम दिखा सकते हैं, ये प्रिंटर हो गया, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं अब, और इसमें एक और केबल दिया हुआ है, USB केबल, जैसे आपको आप लोग को हम बताए थे कि जैसे USB 2.0 का केबल ये है, बहुत हाई स्पीड केबल भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसको हम नीचे रख रहे हैं, देखिए अब दूसरा, अब इस प्रिंटर को हम बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि देखिए बहुत, आप इसको अंदर भी देख सकते हो कितना सेफ्टी के साथ में वहाँ से है, जैसे कि टूट फूट ना हो, जैसे ऑनलाइन से हमने मंगाया है उसी हिसाब से डिलीवरी किया हुआ है वहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आदमी का अवस्था पड़ रहा है, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, जैसे कि अब कर रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर कार्ट्रिज भी है, कार्ट्रिज के साथ में जैसे होता है कार्ट्रिज, इसमें जैसे कि आपको लोग बताए थे ये पाउडर होता है, मैग्नेट पाउडर इसके अंदर आता है, 120 ग्राम से 140 ग्राम इसके अंदर आप वो पाउडर रख सकते हैं, इसके अंदर रिफिल अभी जैसे ऑलरेडी होके आया हुआ है, नया के साथ में तो आप लोग को पता ही होगा कि ऑलरेडी होके आता है। जैसे कि आप इसको अंदर करने के लिए, इसको कार्ट्रिज को इन करने के लिए, इसको आप सबसे पहले इसको ये हटाइए, पहले ऊपर कीजिए, उसके बाद में इस तरह से एक पकड़िए आप, जैसे ये हो गया, और इसको सीधा ऐसे ऐसे रखिए, और इसको आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे डालने के लिए ये सब सीधा छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। जैसे चला जाने के बाद में आप जैसे देख सकते हैं इसको ऐसे रख दिए, ये तो खैर कवर हो गया, जैसे ज़रूरी पड़ेगा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत हैवी दिया हुआ है, जैसे जल्दी डैमेज भी नहीं होगा, देख सकते हैं आप शीशा का दिया हुआ है, शीशा प्लास्टिक दोनों मिक्स होता है। प्लस में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, इसको जैसे ये हो गया, आप USB केबल लगाने के लिए दिया हुआ है, इससे आप USB केबल 2.0 का जो दिया हुआ है ये लगा सकते हैं, इससे ये लगाने के साथ साथ आप कंप्यूटर में इन कर सकते हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे के साइड में
ये पावर केबल जैसे लगाने के लिए दिया हुआ है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए भी खासियत दिया हुआ है, ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से आप केबल लगाए हुए भी, यहाँ पावर केबल आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका कानून का लोगो हो गया है, इसके नीचे जैसे 220/240 वोल्ट का करंट सप्लाई दिया हुआ है जैसे कि देख सकते हैं। प्लस में इसमें कौन सा कमी है इसको वेरीफाई किया हुआ है, वेरीफाई करके पठाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हो गया सेफ्टी मार्क हो गया, प्लस में आप देख सकते हो सीरियल बाई सीरियल सबको दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर जनवरी 2022 का ये बना हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। कैनन इन ये सब देख सकते हैं आप, जैसे मैन्युफैक्चर जो है, जैसे मैन्युफैक्चर हो गया जापनीज होता है, इसका जो है फिटिंग जो है चाइना मेड इन, इसलिए मेड इन चाइना होके ये आता है, इसलिए मेड इन चाइना इस पर लिखा हुआ है। इसमें इसके अंदर जितना भी सामान है सब जापनीज सामान है। तो गाइस हम आज बता देते हैं आपको कि जैसे कि आप इस सिंगल प्रिंटर होता है जैसे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे नहीं तो ये स्कैन कर सकते हैं और नहीं फोटो कॉपी कर सकते हैं, ओनली वाई सिंगल प्रिंटर होता है। विशेष करके जैसे कि ये सब क्वेश्चन जैसे स्कूल कहा गया वो सब निकालने के लिए होता है, जिसको शादी ब्याह का कार्ड प्रिंट करना होता है उसके लिए होता है, और आपको खास करके हम इसलिए मनवाया है इसको, जैसे हम लोग का काम होता है कार्ड प्रिंट करना काम है हम लोग का, इसलिए खास करके बटर जो पेपर होता है इसमें ये बेहतरीन तरह से सपोर्ट करता है। इसमें आपको दिखा दे एक तरह का, ये तो आप जानते ही ये पेपर होता है, ये तो ब्लैक सादा पेपर हो गया है आप लोग जानते ही, और दूसरा पेपर ये है कि ये बटर पेपर हो गया है। ये पेपर जो है सभी प्रिंटर नहीं ले सकता है इसको, इसलिए इसके लिए खास करके हम ये प्रिंटर बाय किया हुआ है। ये प्रिंटर बटर पेपर का है, आप ये ट्रेस पेपर का है, इसको दोनों नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बटर पेपर बहुत पतला पेपर है, बहुत बेहतरीन होता है, जैसे कार्ड के लिए हम लोग स्क्रीन प्रिंट करते हैं, इसके लिए खास करके हम इसको बाय किया है। ठीक है, और इसका खास ये है कि आप लोग अगर दूसरा काम है जैसे कि आपको सिर्फ ये प्रिंट करना है तो आप इसे, ये थोड़ा महंगा बजट में आता है, इसलिए क्योंकि ये पेपर हम लोग को यूज़ करना होता है, ये पेपर वाला प्रिंटर लेने के लिए कुछ महंगा पड़ता है। अगर जो ये पेपर आपको नहीं यूज़ करना है, अगर ये पेपर ही खाली बस निकालना है तो आप इससे सस्ता वाला भी प्रिंटर आता है वो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ महंगा बजट का प्रिंटर हो गया। इसलिए आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें इसके लिए कैसा लगा वीडियो। अगर आप प्रिंटर बाय करना चाहते हैं तो आप उसको वीडियो में पूरा मालूम हो ही गया आप कैसा क्या करना है कि नहीं है। तो गाइस इस प्रिंटर के रिलेटेड कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी समस्या अगर नज़र आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है, जैसे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप हमें से कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में जवाब देंगे। तो गाइस मिलते हैं हम अगले वीडियो में।